जय हिंद, वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी, एक और फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन नागपुर। ओके, सो ये हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोज चलाने वाले हैं, जो भी जितने भी महाराष्ट्र के अंदर फाइन आर्ट्स के कॉलेजेस है, कोर्सेज के साथ सीट कट ऑफ सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वन बाय वन सारे कॉलेजेस के बारे में। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा अगर आप फाइन आर्ट्स एस्पिरेंट है, या अगर आपका कोई फ्रेंड जो है फाइन आर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको ये चैनल का लिंक ज़रूर भेज दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइज, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड गाइज, 2024 के लिए और भी हमारे बैचेस लॉन्च हो गए हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335, और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com गाइज। एंड गाइज, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर। ओके, सो सबसे पहला है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1988 में स्टैब्लिश हुआ था। इट ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ 4 यूजी कोर्सेज। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, इट प्रेजेंट कलेक्शन ऑफ कोर्सेज लाइक MFA, मास्टर इन फाइन आर्ट्स, UG, डिप्लोमा, BFA इन स्पेशलाइज फील्ड ऑफ फाइन आर्ट एंड विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये सारे कुछ कोर्सेस है, और भी मैं बताऊंगा इन डिटेल कि कितने कोर्सेस है, कौन कौन से कोर्सेस में कितने सीट्स है। सो दिस इज़ अबाउट दी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर में। कुछ ही इन्फॉर्मेशन है, कम ही इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम डेटा है इनका। ओके, बट जो भी है बेस्ट मैंने ट्राई किया है कि फाइंड आउट करके आपको बताएं। एंड दो कोर्सेस है, BFA इन पेंटिंग, 30 इंटेक कैपेसिटी है इनकी, एंड BFA इन अप्लाइड आर्ट्स, 30 अगेन इसकी भी इंटेक कैपेसिटी है। सो दो कोर्सेज है, 60 सीट की इनकी इंटेक कैपेसिटी है। नाउ अब कट ऑफ कितना, ये सबको पता होना चाहिए और कितना चाहिए। और लेट मी टेल यू गाइस, ये एक एडेड इंस्टीट्यूट है तो इसका कट ऑफ ऊपर जाएगा। एंड सो 140 प्लस चाहिए आउट ऑफ 200 मार्क्स महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट CET के अंदर। 140 प्लस चाहिए अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र के हो, या फिर आप ओपन कैटेगरी के हो, SC ST वगैरह के है तो थोड़ा सा कम रहेगा मार्क्स, बट 140 प्लस तो चाहिए। JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में 150 प्लस चाहिए, इसके अंदर 140 प्लस चाहिए टू गेट एडमिशन इनटू गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी, जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो रहा था हमने आपको देने की कोशिश की है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।